अब ये है कि आजकल डिजिटल इंडिया है और ये सरकार का अपना फैसला है, वो समय समय पर अपने हिसाब से निर्णय लिया करते हैं। हम लोग सरकार के हिसाब से चलने वाले व्यक्ति हैं और सरकार का फैसला है और इसलिए बंद किया गया पिछले 16 नवंबर और 17 नवंबर 18 की मिडनाइट से। जिस तरीके की डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, यहाँ पर रिले केंद्र खोला गया था और आज वो सफेद हाथी साबित हो रहा है, आखिर क्या कारण रहा ये भी हमने जानकारी की और अब आगे इसमें क्या प्रोग्रेस की जा रही है। जैसे कि D2H यानी कि डिजिटल प्रणाली आप बता रहे हैं, डायरेक्ट होम, तो उसके और इसमें क्या अंतर रहा? इसमें ऐसा है, जो लोग उस समय, ये एक्चुअली यहाँ से 89 में चालू हुआ था, माननीय शीला दीक्षित जी सांसद थी, उनके करकमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। और अब चूंकि अब DTH के माध्यम से सारा प्रोग्राम घर बैठे लोगों को मिल रहा है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार का कुछ ऐसा फैसला होगा कि इस पर उससे लोगों का काम चल रहा है, इसकी सारी जरूरत नहीं है। अगर सरकार और यहाँ के व्यूअर्स चाहें तो यहाँ पर अगर DD1 चूंकि DTH के माध्यम से मिल जाता है, अगर चाहें और तो यहाँ पर FM चालू किया जा सकता है। जी, मैं तो चाहता हूँ कि सरकार को यहाँ FM स्टेशन अगर खोल दिया जाए तो जो स्टाफ है वो भी एडजस्ट होगा और व्यूअर्स, लोगों को FM यहाँ नहीं मिलता है, तो मैं समझता हूँ लोगों को FM भी मिल। नौ से पंकज श्रीवास्तव, ETV भारत।